नमस्कार दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करेंगे एक नव युवान के बिजनेस स्टोरी, जिनके बिजनेस को हाल ही में शार्क टैंक इंडिया टीवी शो में बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला था। उन्होंने कैसे पढ़ाई के दौरान कंपनी शुरू की और उनकी कंपनी विश्व भर में अपने देश की मिट्टी के प्रोडक्ट कैसे बेच रही है। मैं बात कर रहा हूँ रौनदीप शाह की, जो रेयर प्लेनेट हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के कोफाउंडर रहे हैं। 1.5 लाख पर मंथ की सेल से आज कंपनी का रेवेन्यू करीब 1 करोड़ प्रति मंथ है। एक बुक स्टॉल के शेल्फ से शुरू हुई कंपनी के आज कई स्टोर्स हैं और प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी पॉपुलर है। एक बता दें कि अभी आपका रेवेन्यू कितना आ रहा है, ताकि यू नो बाद में बात करेंगे, बट जीरो से स्टार्ट करते हो, कितना अभी रेवेन्यू पर मंथ हो रहा है आपका? आई विल नॉट शेयर अ रेवेन्यू नंबर, बट आई विल शेयर अ वैल्यूएशन नंबर। अच्छा चलो वैल्यूएशन बताइए। सो वी आर रेजिंग एट सम 350-300 के आसपास, 350 करोड़ पे हम पैसा रेज कर रहे हैं। वाओ, सो लाइफ हैज चेंज्ड। काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि रेयर प्लेनेट के फाउंडर्स हमारे टॉक शो में आए, and today is the day wherein he has came. Thank you so much for coming in our show, Ranodeep. Thank you so much. But I am not the founder, I am the co-founder. We are two Vijay. Founders, Vijay ji and me. Yes, yes, yes. So, yeah. So, would like to know about Rare Planet from you only. I would have talked a lot, but I guess founder se hi malum pada Rare Planet kab start hua, kaise start hua, please. So, it's been 8 saal ho gaye apne ko shuru kiye hue. Okay. Aur jab humne shuru kiya tha na dada, humne kabhi socha nahi tha ki we would come this long. Yes. बिकॉज आई वॉज इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज एंड मैं वही कुल्लड़ पे पेंट करके बेच रहा था, और वो भी एक नीड था तब, पैसे चाहिए थे, तो इसीलिए पेंट करके किसी भी तरह बेच के अगर थोड़ा पैसे मिल जाए। और आई रिमेम्बर 2014-15 एक ऐसा टाइम था जब इंडिया में वो ई कॉम रेवोल्यूशन आ रहा है, फ्लिपकार्ट को पैसे मिले, अमेजोन नया नया आया है, आस्क मी बाजार, शॉप क्लूज, क्या क्या सब चल रहा था उस टाइम पे। तो मैंने रियलाइज किया क्यों ना हम भी एक वेबसाइट बना लेते हैं, rareplanet.in मिला था तब, और उसको डिजाइन करते थे। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। इंजीनियरिंग करते हुए आप कुल्हड़ भी अपना सेल कर रहे थे? अच्छा, हाँ राइट। तो बचपन से शौक था कुल्हड़ का, मतलब पेंट करने का जी, एंड वेबसाइट इसलिए बनाई कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा था जी, और तब सबको ना वेबसाइट बना रहे थे। सो आई रियलाइज व्हाई डोंट हम क्यों नहीं वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट बना के बेचते हैं। ये 2014 में सोचा, 2014 में राइट। और तब ना इतना इजी नहीं था, आज बहुत इजी है। आज यू गो टू शॉपिफाई, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू, 10 मिनट्स टेम्पलेट है, फटाफट डालो रेजर पे में जाओ, अकाउंट खोलो, वेरीफाई करो, पेमेंट गेटवे मिल गया, शिप रॉकेट में जाओ, केवाईसी डालो, उसका प्लगइन मिल गया, एंड यू आर गुड टू गो। एब्सोल्युटली, बैक देन इट वाज नॉट लाइक दिस। एब्सोल्युटली, देयर इज ओनली वन पेमेंट गेटवे कॉल्ड सीसी एवेन्यू, एंड लॉजिस्टिक पार्टनर भी तब डिलीवरी नया नया आया था, करेक्ट, डीटीडीसी और जो पुराने वाले थे वो सीओडी और ये सब कुछ नहीं था उनके, करेक्ट। सो आई हैड टू रिक्वेस्ट डिलीवरी टू गेट अ पेमेंट गेटवे, लॉन्ग जर्नी, करेक्ट। बट उस समय आपने आर्टिजन्स के बारे में सोचा, आपने क्या आपकी फैमिली का ही बैकग्राउंड था जहाँ पे ये कूलर का पेंट वगैरह, मतलब यू नो लाइक, और आपका कुछ इंटरेस्ट था? नहीं, सो माई फैमिली, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कुछ नहीं था जी। जी, मेरे पापा बेसिक बिजनेस करते थे जी, बट वो बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था। ओ, बिकॉज मेरे पापा ना चाइना से सामान लाते थे जी, और इतना लॉस हुआ कि वी हैड टू गो टू स्लम एंड स्टे एट अ स्लम। So we were staying in a very nice house. There was a time when I used to go on foreign trips as well. वहाँ से इतना खराब हालत हुआ जी कि my parents had to stay in slums, and we had a very difficult time. So वो जो एक part है जहाँ पे मैं अपनी मम्मी को हाउस हेल्प के तरह किसी के घर पे काम करते हुए देखा, पापा को डेली वेजर के तरह काम करते हुए देखा है, ठीक है, तो वो डिफिकल्ट फेज तो था, करेक्ट, है ना। तो वो फेज जब आप देख लेते हो ना अपने लाइफ में जी, तब आपको लगता है कि किसी भी हालत में सक्सेस तो आपको चाहिए ही चाहिए, करेक्ट, वो आप किसी भी हालत में आपको चाहिए। यस, तो वो फेज था और ऐसा कोई बैकग्राउंड था नहीं, राइट राइट। तो
इट वॉज वेरी न्यू, वेरी फ्रेश. ठीक है, मेहनत किया, मेहनत करके ही सीखा है सब कुछ. बट उस समय आपने कैसे इतनी हिम्मत जुटाई, इतना मतलब यू नो एकदम पीक पे बिजनेस जाके वापस से एकदम जीरो पे आना. उस समय डेफिनेटली आपके पेरेंट्स को, आपको कुछ ना कुछ एक अंदर से हिम्मत चाहिए, एक जज्बा चाहिए अंदर से कि हाँ मुझे ये कर दिखाना है. सो देखो क्या है ना, मेरे पेरेंट्स ने भी पैसा बनाया था जी. ठीक है, और फिर इतना खराब टाइम आया तो हमने सोचा कि इससे खराब और क्या ही हो सकता है ना. करेक्ट. और अच्छी बात ये थी कि वो मैंने जो भी सोचा वो मेरे साथ खड़े थे. हाँ. उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया जी. और मे बी आई वॉज लकी और आई बिकेम फॉर्चुनेट दैट मैंने जो फर्स्ट चांस में ट्राई किया. हाँ. वो फेल नहीं किया. राइट. मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, आप जो ट्राई करते हो ना वो फेल कर जाता है. एक दो बार तो आपके एक्सपेरिमेंटेशन में चले जाता है. मेरे पास शायद वो लिबर्टी नहीं थी, इसलिए भगवान ने मेरे को कभी फेल करने नहीं दिया. करेक्ट. बट आपको कुछ ना कुछ कन्विक्शन था कि मैं कुछ बहुत बड़ा करूंगा. आप अभी थोड़ा सा व्यूअर्स को थोड़ा सा बस एक बता दें कि अभी आपका रेवेन्यू कितना आ रहा है, ताकि यू नो बाद में बात करेंगे, बट जीरो से स्टार्ट करते हो, कितना अभी रेवेन्यू पर मंथ हो रहा है आपका? आई विल नॉट स्पीक अबाउट रेवेन्यू नंबर, बट आई विल टेल यू द वैल्यूएशन नंबर. अच्छा चलो वैल्यूएशन बताइए. सो वी आर रेजिंग एट सम 350-300 के आसपास. 350 करोड़ हम पैसा रेज कर रहे हैं. वाओ. So, life has changed. Right. मतलब, I can tell you, I have seen times when we were doing. So, I have seen phases. Yes. दादा. Yes. कि जहाँ पे मैं दिन का 5,000 किया. Correct. महीने का 1,00,000 रुपए किया. हाँ. महीने का 1,00,000 किया. Right. महीने का 1,00,000,000 किया. Wow. दिन का 1,00,000,000 किया. Super. तो ऐसे दिन देखे हैं. ठीक है. बहुत सही. तो ऐसा लगता है ना रिफ्लेक्शन में दिन देख रहा हूँ. राइट. आज आपके पेरेंट्स से जब आप बात करते हो तो उनको कैसा फील होता है? बहुत सही. सो मेरे पेरेंट्स अभी भी कलकत्ता में ही रहते हैं जी. मैं गुड़गांव में रहता हूँ जी. बट अभी तो बहुत अच्छा है, हमने घर खरीदा है जी, गाड़ी है, मतलब जो जो मैं अपने मम्मी पापा के लिए करना चाहता था एज अ सन जी, मैं सब कुछ कर पाया हूँ. तो मेरे को वो खुश है, खुशी है. बट अभी भी बहुत कुछ करना है जी. मेरे को और भी, और अब ना मेरे को सिर्फ मेरे मम्मी पापा के लिए नहीं करना है जी, अब मेरे को वो सारे कारीगरों के लिए अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा है. यस. ठीक है. एंड पहले हम क्या बोलते थे, हम देश के कारीगरों के लिए काम कर रहे हैं. हाँ. आज हमारा मोटिव अलग है. अच्छा. आज हम बोलते हैं कि दुनिया में जितने भी कारीगर हैं अक्रॉस ग्लोब जी, वी वांट टू बी सपोर्टर्स फॉर एवरीवन. राइट. हमने जो देश में मैजिक क्रिएट किया है जी, जो अपने देश के कारीगरों के लिए किया है जी, हम वो वर्ल्ड के हर कारी, मतलब देखो हर देश तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है. करेक्ट. तो जैसे आप इंडोनेशिया में जाओ या आप अफ्रीका में जाओ या कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाओ जी, वहाँ का कारीगर का वैसा ही हालत है जो अपने देश के कारीगरों का था. true, true. और उनका काम बहुत सही है जी. तो हम सबके लिए आज काम करना चाहते हैं. बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप. आपने जब इनिशियल स्टार्ट किया था तब आपके पास कितने कारीगर थे और अभी कितने कारीगर हो गए? तो मेरे पास ना कारीगर नहीं था, मैं खुद कारीगर था. ओके. तो वो कुल्लर पे मैं खुद पेंट करता था जी. मेरी मम्मी उसमें केमिकल लगाती थी और हम लोग कुल्लर, तो आज जो कुल्लर आप देखते हो ना जो हम बेचते हैं एयरपोर्ट्स में, वो मॉडिफाइड कुल्लर है. वो माइक्रोवेव सेफ, डिशवॉशर प्रूफ और बहुत सारे फैसिलिटीज के साथ वो कुल्लर आता है जी. स्टार्टिंग में वो कुल्लर नहीं था जी. स्टार्टिंग में ना दादा वो जो 3 रुपए वाला मटके का भाड़ होता है ना वो था. तो मेरे को याद है अभी भी, मैंने भी कुछ दिन पहले लिंक्डइन में वो पिक्चर डाला था कि वो दुकान जहाँ से हम लोग बाहर खरीदते थे. तो हमारे कलकत्ता में एक बाजार के अंदर एक दुकान था जो 3 या 3.5 रुपए में बाहर देता था. अच्छा. तो मेरे पापा हाथ में भर के 25-50 बाहर लेके आते थे. ओके. फिर पापा उनको सैंड पेपर से घिस के एकदम प्लेन करके देते थे जी. मैं उस पर पेंट वगैरह करता था और मम्मी उस पर केमिकल लगाती थी. वाह. सो इतना मेहनत किया है. ये जर्नी आपने देखी है. और आर्टिजन्स जैसे अभी कितने हो गए आपके पास? सो अभी अक्रॉस कंट्री 25,000 कारीगर्स हम इनडायरेक्टली कनेक्टेड हमसे. हाँ. और डायरेक्टली करीबन 5,000-5,500 कारीगर रेगुलर काम कर रहे हैं. और ये कितने साल में हुआ है? तो अभी 8 साल होने को आया है जी. 25,000 कारीगर इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं. सो जैसे आप पकड़ लो
एक बैग बन रहा है जी, उसमें 3-4 टाइप के कारीगरों का काम जाता है जी। तो ऐसे अगर आप सारे कारीगरों को एक साथ करोगे तो 25,000 कारीगर मिनिमम काम कर रहे हैं हमारे साथ। ओके। और हमने लोन्स दिलाया है करीबन 250 से 350 कारीगरों को। ओके। तो हम क्या करते हैं, जो कारीगर हमारे साथ परमानेंटली काम कर रहा है जी, तो उसका क्रेडिट रिकॉर्ड हमारे पास है। मतलब हम क्या करते हैं, जो हमारे साथ परमानेंट काम करता है ना, उसका बैंक अकाउंट खुलवाते हैं जी। और उसका नहीं, उसके फैमिली में जो महिला है, फीमेल है, उनका बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें हम डायरेक्ट बैंक के थ्रू पैसा भेजते हैं। सो दैट उनका ना क्रेडिट हिस्ट्री बन जाता है कि इतना पैसा वो महीने में बना रहा है। उसके बाद हम उसको हेल्प करते हैं गवर्नमेंट बैंक से मुद्रा लोन के थ्रू एक छोटा लोन दिलवाने का, जिससे उसको एक छोटा वर्किंग कैपिटल मिलता है और वो अपना काम और बढ़ा पाता है जी। अभी आप कौन कौन से एयरपोर्ट्स में अभी प्रेजेंट हैं? तो हमारे पास आज के डेट में 36 एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में। हम इंडिया के 137 अक्रॉस एयरपोर्ट्स होंगे अभी इंडिया में। इंडिया में, इंडिया में तो 137 या 38 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं जी, जिनमें मेन एयरपोर्ट है 65। अच्छा। जिसमें दिन में 2 फ्लाइट जाता है उसको हम मेन ऑपरेशनल बोलते हैं। ओके। जैसे राजमुंद्री हो गया, ट्यूट्रिकॉन हो गए जी, इन सब में 2 फ्लाइट तो दिन में जाता ही है जी। ठीक है। तो उसमें से 65 का अगर आप नंबर पकड़ो, 36 में हम ऑलरेडी हैं, 50% करीब ऑलमोस्ट जी। और ये 36 हैं जो मेन एयरपोर्ट्स हैं। और ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों? तो हम कोविड के टाइम पे हमारे दुकानें खोले हैं सारे जी, तो हमारे सारे दुकानें मोस्टली डोमेस्टिक साइड पे ही है। ओके। ठीक है जी। अभी हम धीरे धीरे इंटरनेशनल साइड पे भी खोल रहे हैं। ओके। बिकॉज एक ही एयरपोर्ट में 2 दुकान हो तो ऑपरेशंस भी लेस होता है, मतलब ऑपरेशन कॉस्ट इज सिंप्लीफाइड। करेक्ट। ऑल्सो अभी इंडिया में धीरे धीरे इंटरनेशनल टूरिस्ट वापस आने लगे हैं। राइट। तो अभी इट मेक्स सेंस टू ओपन इंटरनेशनल डिपार्चर स्टोर्स। या और आपके जो कोफाउंडर है विजय जी, उनके साथ आपका कब मिलना हुआ, कैसे उनसे मुलाकात हुई? तो विजय जी के साथ जो मिलना है ना, उस मतलब मेरे जीवन में संजोग ही होते हैं। विजय जी से मिलना वाज अ वेरी बिग संजोग। ही वाज हेडिंग बिजनेस फॉर ईशा। अच्छा। सो ईशाना बोल के एक दुकान हुआ करता था दिल्ली इंटरनेशनल डिपार्चर में। ओके। जो महीने का कुछ 5-6 करोड़ का धंधा करता था। Okay. एक दुकान। ओके। तो मैं ना उनके कंपनी में गया था माल बेचने अपना, रेयर प्लैनेट का। अच्छा। सो रेयर प्लैनेट इज देयर फॉर 8 इयर्स। इनिशियली रेयर प्लैनेट का खुद का दुकान नहीं था। राइट। रेयर प्लैनेट तो दूसरों के जैसे WH में, रिले, ये सब में माल ही बेचता था जी। आज भी हम उन पे माल बेचते हैं जी। आज आप कोई भी एक सपोज बॉम्बे एयरपोर्ट, आप बॉम्बे एयरपोर्ट में जाओगे ना, आपको रिले में हमारा माल दिखेगा जी, WH में हमारा माल दिखेगा जी, और खुद के दुकान में तो माल मिलेगा ही मिलेगा। करेक्ट। करेक्ट। तो हम आज भी वो रिलेशन को नर्चर करते हैं जी। आई वेंट टू मीट समवन एट ईशाना एंड दैट्स वेयर आई मेट विजय जी। ओके। और मेरे को विजय जी से मिलके ना एक लव एट फर्स्ट साइट। सो यू मैरी योर को-फाउंडर। यस। सो विजय जी वाज माय लव एट फर्स्ट साइट। I desperately wanted him to be a part of this. Ji. And today, yes, we are a family. And we, today we are a family of, so directly in our roles, there are some 250 people. Yeah. And we always tell that we are a family of 25,000 people. Funds abhi Shark Tank ke pehle kaun kaun se raise kiye? Shark Tank mein aapko kya valuation mili thi? So I'll tell you, Shark Tank se pehle humne 2 rounds kiye the. Ji. एक राउंड हमने किया था दैट इज इन जैन ऑफ 2019। दैट इज आवर फर्स्ट राउंड बिकॉज आई ग्रेजुएटेड इन 2018। आई स्टार्टेड कंपनी 2015 टू 18 आई वाज बूटस्ट्रैप। ओके। आई हैड रेज्ड मनी फ्रॉम बैंक, सो मैंने गवर्नमेंट लोन लिया था 13.5 लाख का। अच्छा। और वो 13.5 लाख उस टाइम के लिए तो आज का 50 करोड़ से भी बड़ा है। बिल्कुल सही बात। बिकॉज वो नींव रखने वाली पैसे थे। यस। कुछ भी हो सकता था उन पैसों से। जी। तो वही 13.5 लाख से आज जो बना है वो बना है। जी। ठीक है। जी। तो फर्स्ट राउंड आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के जस्ट 1 साल बाद रेस कर दिया था। आई ग्रेजुएटेड इन अगस्त, आई रेस्ड इन जैन, आई वाज डूइंग माय राउंड ड्यूरिंग नवंबर ऑफ 2018। वेंचर कैटलिस्ट वाज माय फर्स्ट इन्वेस्टर। सुपर। So I raised in 2019 Jan. Ji. I raised my second round
in middle of COVID in 2020. Okay. That time I raised 2.25 CR. Wow. And then the third round which I raised was my Series A, which never came in press because as the company grew now. So this is the philosophy of my co-founder Vijay ji, and I have also engulfed this philosophy. Somehow I love whatever this industry is doing, but I am very against this entire culture of burning, and it is too much of a show off of fundraising. So we raised 16 CR in October of 2000, sorry, not October, we raised in May of 2022. Okay. That is last year. Yeah. Last year we raised almost $2 million, 16 CR, $2 million. Right. So that had participations from WFC, Venture Catalyst, Adani Family Office, and couple of others. Wow. So us round ka humne kahin, so all investors, VCADS, WFC, IA, V Garage, everyone was after our lives. Even today they say ki tune PR nahi kiya. So maine PR nahi kiya, but I'm raising my next round again. Yes. So I feel company profitable honi chahiye. Absolutely. EBITDA is everything. Correct. Matlab, at least in our kind of a business, if you're in tech business, you can't help it. Yeah. You have to burn. So right now we are EBITDA positive. We are EBITDA positive from day one. There was only 1 year, unfortunately, the COVID year, when we were EBITDA negative. Rest in our 8 years of journey, we have never been EBITDA negative. Okay. We've always been EBITDA positive. Okay. So Namita has supported you a lot and Namita has funded. So just wanted to know, like, how I think she also came when you were inaugurating the Pune airport. Yeah. So just let us know about her support, how she's supporting you. So Namita Ma is amazing. I don't call her Namita Ma'am, I call her Namita Ma. And I feel I have two mothers now, my own mom and Namita Ma. And so she has been a great support to us. Yes. Also, the deal has went very well. Yeah. I guess she'll be the first shark to get an exit very soon. Partial exit. Wow. She is not letting us go. So we really want to get a partial exit for her to become the first successful partial exit of Shark Tank. Wow. We have been already the largest success story of season one. Yes. So we want to get her a partial exit. Wow. And amazing support from her. Ke jitne bhi airports hai, uske andar you started with the terracotta, I guess, right? Jo aap पेंटिंग वगैरह करते थे, इसके अलावा भी कुछ एसक्यूज आए हैं? इफ यस, तो कहाँ कौन कौन से एसक्यूज अभी आप? तो आज अगर आप रेयर प्लांट में जाओगे ना जी, जो हमारे खुद के स्टोर्स है जी, किसी भी एक स्टोर में 5000 से नीचे आपको एसक्यूज नहीं मिलेंगे. 5000 एसक्यूज, ठीक है. Our store is amongst the most lightened up store in that airport, whichever airport we started. Yeah. आपको इतने टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे. Yeah. कीचेन ही मिलेंगे, करीबन 100-150 टाइप के कीचेन मिल जाएंगे. Okay. डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट शहरों से बने हुए. जी. So today we have products from every corner of the country. जी. You have products from as northeast as Tripura and Guwahati, to far south from Rameshwaram, to far west from Bhuj, and from top in Kashmir. Okay. तो हर जगह के प्रोडक्ट्स हैं. Okay. तो आपको, हम बोलते हैं कि आपको इंडिया देखना है ना, इंडिया की कारीगरी देखना है, तो आप रेयर प्लांट आ जाओ, आपको देश की कारीगरी दिख जाएगी. एंड आप अभी गारमेंट्स पे भी आए? नो, वी सो typically we want to work with the crafts of this country. Yeah. We don't want to get into fashion or apparel because हर बिजनेस का ना एक अलग मॉडल होता है. हमारा मॉडल ये है, हम एयरपोर्ट मॉडल में और दो ब्रांड्स लॉन्च किए हैं. We have a brand called 2M Mini Mart. Okay. Which is a convenience retail format. Okay. So you can find that in couple of airports. We are there in Amritsar, Bhubaneswar, then Mangalore. In these airports, you'll find 2M Mini Mart. Okay. Then we have another brand called Sitara. So that's also in airports. It's with fashion jewelry. So we want to be that global brand. So लोग बोलते ना आपका कंपटीशन कौन है? हाँ. इसे कि हमारा कंपटीशन है लगार्डे और WH Smith से. So लगार्डे is world's number one travel retailer. Yeah. They are present in 167 airports across the globe. Okay. Okay. 2 billion euro का revenue है.
तो हमें लगाड़े जैसा बनना है, वो हमारा इंस्पिरेशन है। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आपके अभी कौन कौन से? कॉपर बॉटल फॉर श्योर, कॉपर इज आवर बेस्ट सेलिंग, बेस्ट सेलर फॉर लास्ट 6-7 months, राइट? फॉर 6-7 years, सो आई वुड लव टू गिव अ सरप्राइज। सो जैसे आज हमें आपसे बॉम्बे मिल रहा हूँ ना जी, तो I always believe there is a huge power in manifestation. Yeah. जो manifest करते हो ना, वो हो जाता है। Okay. ताज़ा 3-4 साल पहले मैं Go Air fly कर रहा था। हाँ। If you remember, Go Air में ना एक magazine आती थी, जिसमें कुछ products रहते थे, जो आप flight के अंदर खरीद सकते थे। बिल्कुल सही। तो मेरे को ना बहुत मन था कि काश इस magazine में हमारा एक product हो। Fast forward 4 years. Today we signed a LOI. It go air, so that entire catalog is managed by Air Planet. Wow! So in next 2-3 months, you will see that catalog again, and that entire catalog is managed by Air Planet. Wow! And today we decide what products will be there. For sure, Air Planet product will remain. Yes. But we are also enabling a lot of other young startups to be a part of this catalog. Yeah. कि जो मौका मेरे को नहीं मिल पाया, मैं दूसरों को देना चाहता हूँ। बहुत सही, बहुत अच्छा लगा रणदीप आपसे मिलके। आप बहुत अच्छा चेंज ले आके आ रहे हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के आर्टिजन्स के अंदर। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं, बट ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर टू रेयर प्लैनेट, कीप डूइंग वेल। थैंक यू दादा, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। सेम हियर।